नमस्ते। आज हम बनाएंगे एक हेल्दी सा नाश्ता जिसे हम टिफ़न में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसको। मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, ये उबला हुआ आलू है, ये मैंने कद्दूकस किया है। अब इसको हम साइड करके एक चटपटी सी पहले चटनी बनाएंगे, उसके बाद इसको बनाएंगे। मैंने एक जार लिया है, इसमें 2 से 3 मैंने हरी मिर्ची डाल दिया है, कुछ धनिया के पत्ते। मैंने ये डंडिया मुलायम है उसको भी यूज़ कर लिया है। और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, आप चाहें तो साबुत लहसुन अदरक भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए, मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद मैंने थोड़े से ये भुने हुए चने डाल दिए 1 चम्मच। तो स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे और 2 चम्मच दही डाल देंगे इसके अंदर। बहुत टेस्टी सा ये चटनी बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। पानी ज़रूरत के हिसाब से ही डालेंगे, पहले हम उसको पीसेंगे, जितना ज़रूरत होगा उसी हिसाब से पानी डालेंगे इसके अंदर। तो चलिए पीसते हैं। देखिए, हमारी चटनी बन के तैयार हो गई। अब चलते हैं आटे की तरफ। तो चलिए आटे का डो लगाएंगे। पहले ये आटा लिया था, अब इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे नमक, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा ही डालेंगे। और मैंने इसको और हेल्दी बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़े से चुकंदर के टुकड़े मैंने पीस लिया है मिक्सी में। डायरेक्टली डाल के ही गूंदूंगी क्योंकि इसमें कोई लम्स नहीं है, तो इसलिए चलिए इसको अच्छे से पहले मिलाएंगे। और सेमी कटोरी में मैंने पानी डाल लिया थोड़ा सा। ना आटा टाइट रोटी का रखते हैं, उससे ज़्यादा टाइट इसका आटा रखना है हमें। ये आटा हमारा लग गया है, ये देखिए बिल्कुल टाइट है, ज़्यादा मुलायम नहीं है आटा ये। और इसी सेम मेथड से ही मैंने सादा आटा भी गूंद लिया है। और इसको हम दोनों को सेट होने के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर बहुत टाइम तक आपने इसको गूंदा है तो आप तुरंत ही बना सकते हैं इसको, पर मैं थोड़ी देर ढक दूंगी इसको, तब तक इसकी स्टफिंग बनाएंगे हम। तो चलिए बनाते हैं। मैंने तेल डाल दिया है, इसमें गर्म हो गया हमारा तेल। अब जो हमने आलू कद्दूकस करके जो उबला हुआ आलू लिया था उसके लिए मसाला हम प्रिपेयर करेंगे। पहले तो इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे जीरा, धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच से भी कम, और इसमें डालेंगे हम चिली फ्लेक्स, तो इसको भी डाल देते हैं इसके अंदर। 2 हरी मिर्च और प्याज पर थोड़े से बड़े ही काटे हैं, इसको अच्छे से मिला लेंगे। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का ही भुनेंगे। स्वाद अनुसार इसी टाइम हम नमक भी डाल देंगे ताकि प्याज के साथ ही मसालों के साथ ही नमक अच्छे से हो जाएगा। 1/2 चम्मच चाट मसाला को भी मिला लेंगे अच्छे से। जो हमने आलू को कद्दूकस करके रखा था उबले हुए को, तो मिला के अच्छे से मिला लेंगे इसमें। प्याज में थोड़ा सा कच्चापन रहेगा तभी अच्छा लगेगा ये नाश्ता। हम अच्छे से इसको अच्छे से मिला लेते हैं, थोड़ा आलू को भी भून लेते हैं। स्टफिंग हो गया हमारा ये, अब इसमें धनिया डाल देंगे, इसे अच्छे से मिला देंगे। अब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसकी स्टफिंग करेंगे। आप इसको पराठों में भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रेड से भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे आटे में बनाएंगे। मैंने दोनों आटा लगा लिया था, अब बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, ज़्यादा टाइट भी नहीं है, बराबर आटा मैंने ले लिया है दोनों। और मैंने इस पर पलौठा लगा लिया है आटा सूखा, और रोटियों को बराबर ही बेलना है हमें। आपको रोटी बनानी है उतना ही साइज रख लीजिए। ब्रश कर देखिए, जैसे रोटी या पूड़ी आप जितना साइज रखना चाहते हैं उतने साइज का आप बना सकते हैं। देखिए, मैंने यही साइज रखा है और ऐसे ही बनाया है। थोड़ा थोड़ा आटा लगा के आप जितना आप नाश्ता बनाना चाहते हैं उतनी रोटियां सेक लीजिए इसको। तो देखिए, मैंने सारी रोटियां ऐसे बना लिए हैं। चलिए अब तवे की तरफ चलते हैं, इसको सेकेंगे। गर्म हो गया है, अब मैं एक एक करके इस पर डाल दूंगी। आपको जितना आपके तवे पर आए आप उतना रोटी इस पर सेक सकते हैं। आप इसे बड़ा भी बना सकते हैं, और जैसे रोटी एक तरफ कम और एक तरफ ज़्यादा सिकता है वैसे ही सेकना है इसको हमें। अब हम पलट देंगे इसको दूसरी तरफ से, ज़्यादा और एक तरफ ये कम सिक गया हमारा। अब गैस पे से इसे रोटी को हम उतार लेंगे। एक तरफ में टमाटर केचप लगा दूंगी, जिधर ज़्यादा पकाया हमने उधर ही टमाटर केचप लगाना है आपको। केचप लगाने के बाद ये जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसको हम इसके अंदर भर लेंगे। अगर नाश्ता आपको सर्व करना हो तो आप पहले से इसको प्रिपेयर करके रख लीजिए, और आप इसको अच्छे से पहले बना के रख के फिर आप जब चाहे तब इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसकी स्टफिंग कर दी है। अब मैंने स्टफिंग कर दिया है, अब तवा हमारा गर्म है क्योंकि तवा को मैंने बिल्कुल गैस को स्लो कर दिया था। ये ऑयल अच्छे से भून जाए, एक एक करके हम सारा इसमें डाल देंगे।
थोड़े से ऑयल में मैंने इसको किया है, मेरा ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो मैंने हटा दिया था। तो देखिए ये सीख गया है और बहुत अच्छा बनने के बाद, सीखने के बाद फटाफट ये बन जाता है। फटाफट आप बना लीजिए इसे। देखिए ये हमारा टाकोस बनके तैयार हो गया है और मैंने इसे हरी चटनी और टमाटर केचप के साथ सर्व किया है। और ये बच्चों के लिए टिफ़न के लिए भी बहुत अच्छा है, फटाफट बना के पहले से प्रिपेयर करके रख लीजिए, जब जाएँ तो सेक के दे दीजिए। और इसमें जो आप जब सेकेंगे इसे दोबारा में तो तेल की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है, कम रखनी है। और इसको अच्छे से बनाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।